सत श्री अकाल जी, मैं अर्शियरी और तुसी सारे देख रहे हो चैनल पंजाबी। ते चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों नू हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। खबरां दी शुरुआत कर लेने आ हेडलाइंस दे नाल। मॉन्ट्रियल दी एक औरत युद्ध दे मैदान दे विच यूक्रेनिया दी कर रही है मदद। फेसबुक जरिए जरूरतमंदां दे नाल है उसका राबता। अल्बर्टा ने घटाया गैस कीमतां ते सूबाई टैक्स। बीसी दे विच अजिहा फैसला करन दा अजे नहीं कोई विचार। दंदा दे डॉक्टरों के होर सेहत कामिया के लिए नवे निर्देश। कायरोप्रैक्टर ते मसाज थैरेपी वालियां लई आया वैक्सीन लगाउण दा हुक्म। जिदे खबरां विस्थार दे नाल। और सब तो पहला दर्शकों नूं दस दिए कि कदे तुसी बिना स्वार्थ बिना किसे नूं जाने पहचाने किसी की मदद की है? बहुत सारे लोगों ने शायद अजिहा किया भी होएगा तो बहुत ने नहीं। कई अजिहे लोग होंगे ने जो अजिहे मदद जिहड़े जिन्हां दी करनी हुंदी है उन्होंने खुद छाणबीन उन्हां दी करदे ने, चाहे वह किसी नूं जानदे ने या नहीं जानदे। यूक्रेन के हालातों संबंधी असीं सारे बाखूबी जानदे हाँ कि अज उन्हां नूं मदद की किन्नी लोड़ है। कई लोग अजिहे ने जिन्हां दा यूक्रेन दे विच कोई भी नहीं है, ना उन्हां दा कोई संबंध है, ना वह यूक्रेनी बोलते हैं, ना वह रूसी बोलते हैं, पर फिर भी वह लभ लभ के उतों के लोगों जिन्हां नूं मदद की लोड़ है उन्हां दी मदद कर रहे हैं। अज वुमेंस डे मौके के उत्ते असीं एक अजिही औरत की ही गल करन जा रहे हैं जो बिना स्वार्थ के बिना किसी नूं जाने हुए वह लगातार फेसबुक के उत्ते ट्रांसलेट करती है तो सारे लोगों की उस सिचुएशन नूं समझ के उन्होंने लिए रहन बसेरा उन्होंने लिए राइड तो उन्होंने उतों कढ़न दे लई जो भी मदद हो सकती है वो सारी कर रही है। अजिहे एक हीरो दे नाल तुहानू भी मिलवाने आ। जिवें कि बहुत सारे लोग यूक्रेन दे विचो जंग दे मैदान तो भज रहे ने, अजिहे दे विच दुनिया विच बहुत सारे अजिहे लोग ने जो मैदान छड़ के भज्जन की बजाए दूजियां दी मदद कर रहे ने, जिन्हां विच एक कैनेडियन औरत भी शामिल है जो मदद करन वालियां दे लई अपना हिस्सा पा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि 20 लाख लोग हुण यूक्रेन तो भज गए ने। अजिहे दे विच मॉन्ट्रियल की एक औरत उन्हां लोगों के विच शामिल है जो भज्जन वालियां दी मदद करन लई फेसबुक समूहों की वरतों कर रही है। हेलगा एसग्वायर जिसका यूक्रेन दे नाल कोई संबंध नहीं है पर अपने परिवार को बाहर कढ़न दे विच एक गुआंढी की मदद करन तो बाद उत्थे लोगों की मदद करनी उसने शुरू कर दी। वो कई दे नाल गल कर रही है कि हाँ मैं कैनेडियन हाँ, मेरा यूक्रेन दे विच परिवार नहीं है, मैं यूक्रेनी नहीं बोलती, रूसी नहीं बोलती, मैं सिर्फ मदद करन की कोशिश कर रही हाँ। एसग्वायर का कहना है कि वह यूक्रेनियन नाल जुड़न दे लई सोशल मीडिया की वरतों कर रही है जिन्हों कोई रस्ता लभन विच मदद की लोड़ है। वह पोलैंड दे विच एक छोटी चैरिटी दे नाल काम कर रही है। एसग्वायर ने समझाया है कि किसी की मदद करन लई उन्हां बारे सारी जानकारी होनी चाहिए है। उन्हां ये भी कहा कि फेसबुक पोस्टां दी वो ट्रांसलेशन करते हैं ता जो ये समझ सकन कि योग हो सकन लोकां ते परिवारां नूं किवें सहायता की लोड़ है। अपने गुआंढी दे परिवार की मदद करन तो बाद उन्हां महसूस किया कि होर बहुत सारियां नूं मदद की लोड़ है। उन्हां दा कहना है कि लड़ाई शुरू होने तो बाद दे दिनां विच हुण तक वह दर्जना लोगों की राइड रिहायश ते होर सहायता लभण विच मदद कर सकी है। वह एक अनाथ आश्रम की मदद करन दे योग भी है। उसने कहा है कि ये तुहाडे ते मेरे वर्गे परिवारां दी मदद करन बारे है जो एक हफ्ता पहला मॉल दे विच खरीदारी कर रहे सन ते अज सब कुछ उन्हां नूं अपना त्यागना पिया। उन्हां कोल अज कुछ नहीं है जिवें कि सीरिया दे विच वापरिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि रूस के हमले तो बाद करीब 2 हफ्तों में सैकड़े नागरिकों की मौत दर्ज की गई है। मरण वालों में 2 दर्जन तो वध बच्चे भी ने। यूक्रेन का कहना है कि रूस के हमले नाल हुण तक सैकड़े स्कूल हस्पताल ते रिहायशी इमारतां तबाह हो चुकियां ने। जिवें कि क्रेमलिन के मारू हमलों ने लोगों नूं बाहर धक्कना जारी रख्या है। दूजे विश्व युद्ध तो बाद यूरप का सब तो भैड़ा शरणार्थी संकट होर भी गंभीर होंदा जा रहा है। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। औरतों के जज्बे को सलाम करने के लिए हालांकि कोई एक दिन नहीं होता पर फिर भी जो भी इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है उदों खास तौर के उत्ते औरतों की चोण की जाती है, उन्होंने वल ध्यान जाता है जिहड़ियां कम्यूनिटी के रह के बहुत ही छोटी उम्र के बहुत वड्डे वड्डे काम कर रही ने। कम्यूनिटी के कई अजिहे मसले ने जिन्हां के उत्ते वो काम कर दियां ने। अजिही एक कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड क्लीनिकल काउंसलर है नवरीन कौर। नवरीन भी कुछ अजिहा ही काम कर रही है कम्यूनिटी के, चाहे वायलेंस का मुद्दा हो या हैल्थ इशू होन मैंटल हैल्थ इशू होन, वो कई औरतों की काउंसलिंग भी करती है। कई तरह के कम्यूनिटी के कामों के नवरीन कौर वध चढ़ के अगे आउंदी है। नवरीन कौर के नाल इस संबंधी असी खास गलबात भी की है। सो नवरीन रजिस्टर्ड तुसी क्लीनिकल काउंसलर हैगे हो, अपने काम बारे दसो ते किवें किवें तुसी होर जिहड़ियां ने कम्यूनिटी के लिए हैल्प करते हो वो बारे दसो।
Thanks, Sherry. मैं एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल काउंसलर हाँ जो सरी फैमिली प्रजर्वेशन प्रोग्राम है जो ब्रिटिश कोलंबिया की एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली डिवेलपमेंट मैं उधर बच्चे प्रोग्राम दे बच्चे काम करती हूँ ये प्रोग्राम स्पेशली उन्हा फैमिलीज ली है गया जिन्हा दे बच्चे इश्यूज ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस वर्गे या किसी भी तरह के इशूज आते फैमिली फैमिली के तरीके नहीं रह पा रही सो असी उन्हा फैमिलीज नू काउंसल करते हैं हेल्प करते हैं होर रिसोर्सिज नाल उन्हां नू ज्वाइन करते हैं ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਸਟ ਕੁਝ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੂ कम्यूनिटी के बहुत तरह के नवीन थोड़े को इशू आते होंगे कम्यूनिटी की तुम्हें गल की है साउथ एशियन कम्यूनिटी के औरतों रिलेटिड जोड़े ने बहुत सारे मसले आते होंगे थोड़े को किमें किमें के इशूज़ के नाल ज़्यादा डील करना पैंता और स्पैशली साउथ एशियन कम्यूनिटी के केड़ा सब तो जड़ा अहम मुद्दा सब तो अहम जड़ा हैगा जिस चीज़ नाल घिरे हुई है साउथ एशियन कम्यूनिटी स्पैशली फीमेल्स वो तुम देखते हो मैं एक जनरलाइज चीज तो स्टार्ट करके स्पेसिफिकली साउथ एशियन फीमेल्स लिए बोलूंगी जब मैं अपने पेशेंट्स देखती हाँ तो बहुत सारी औरतां बहुत कुछ सहंदियां ने ये सोच के अपनी कम्युनिटी दे विच कि साडा घर बचिया रहे साडे घरे कोई प्रॉब्लम ना आवे जबकि उन्हां नाल चाहे गलत हो रहा चाहे सही हो रहा पर आपां बहुत वारे सुनते हैं कि नहीं मैं अपने परिवार करके इदां दा स्टेप नहीं लेना मैं अपने परिवार करके अड नहीं होना मैं इतने किसी प्रमोट नहीं कर रही कि आप अड हो फैमिलीज तो बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिथे आप गलत सहने हाँ तो गलत वधदा रहिंदा ते स्पेशली छोटा जिहा एग्जाम्पल जिहड़ा बहुत देखण दे विच आउंदा है जब मैं फैमिलीज नाल काम करदी हां डोमेस्टिक वायलेंस का फीमेल्स बहुत स्केर्ड हुंदियां ने बहुत डरदियां ने कि असीं जे बोलांगे तो सानू ही गलत कहा जाएगा या सानू गलत ठहराया जाएगा ये बहुत अलग तरीके दे डर उन्हां दे विच बैठे हुंदे ने सो उन्हूं ही एड्रेस करदे हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जदों तुसीं गलत सहंदे हो एज अ फीमेल तां तुसीं अपनी आने वाली जनरेशन जो कि थोड़ी एक डॉटर हो सकदे करे जो कि थोड़ा बेटा हो सकदा करे या आस पास दे जिन्ने लोग ने उस चीज नू सही मानते हैं क्योंकि वह तुहानू एज अपनी माँ भी देखते हैं अपनी मासी भी देखते हैं बहुत रोल्स दे विच तुसी एक औरत होने दे नाते उन्हां नाल जुड़े हो जी जी एक गलत सहना भी उन्ना ही गलत है जिन्ना आपां ये कहना कि नहीं मैं चुप कर जानी हां ते सब कुछ ठीक हो जाएगा चुप करन नाल कुछ ठीक नहीं हुंदा गलत लई उठ के बोलना उस चीज नू सही करदा जी नवीन बहुत वड्डे इशू दे उत्ते तुसी काम करदे हो कम्यूनिटी दे विच बहुत सारे तुसी तुहाडे अपने अहम रोल है बहुत ही छोटी उम्र दे विच तुसी बहुत वड्डे काम जिहड़े आ कर रहे हो काउंसलिंग करनी सब तो बिग टास्क जिहनूं कह सकदे आ हुंदी है और उहदे लई तुहानूं अपना आप जिहड़ा है वह बहुत ही स्ट्रोंग रखना पैंदा हैगा सो नवरीन कौर नूं जदों असीं जाणीए तां नवरीन कौर दे अंदर हिम्मत किवें आउंदी है कि किसी की काउंसलिंग जदों करनी आ उहदे आप उहदे लई अपने आप नूं भी हिम्मती बनाउणा बिल्कुल जदों काउंसलिंग करनी पैंदी है ते एक अपने अंदर या अपनी पर्सनल लाइफ दे विच जो भी कुछ चल रहा उन्हों साइड ते रख के उन्हों एक बंद बॉक्स दे विच पा के बाहर जाईदा है उस फैमिली नूं सुणीदा जिथे कोई प्रॉब्लम है उन्हां नूं देखीदा है कि उन्हां नूं किद्दां हैल्प कर सकदे आ जरूर एज अ इंसान आपां जद वापस अपने आप नूं देखदे आ हर किसी दे लाइफ दे विच बहुत कुछ हुंदा सो वी डील इट after we finish helping the work that we are going out to do ji ਨਵੀਨ ਅੱਜ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੀਏ ਕੀ ਵਿਮੈਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਮੈਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦਨ ਹੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ
जित जम्मे राजान इनू मैं सिंपलीफाई करना ते दा मतलब ये निकलदा है वी उस औरत नू क्यों नीवा या कटिया आखना उन्हें तो राजा ने भी जन्म दिता है। सो जे आपां 365 दिन ने ते आपां एक दिन औरतां नू ये कह के कि अज विमेंस डे है तो अज उन्हू चंगा फील करा दो ते बाकी दे दिन की वी हैव टू अप्रीशिएट फीमेल्स डे इन डे आउट शी इज द वन हूज टेकिंग द जोड़ के रखन च ज्यादा हुंदा है। ए मेरी अंडरस्टैंडिंग है ते मैं यही कहूंगी कि अज दे दिन जिन्नियां भी फीमेल्स तुहाडे आस पास ने जो भी लोग मेरा मैसेज सुन रहे ने just take a moment tell them how special they are in their lives chahe oh thodi beti hai chahe oh thodi maa ne ya thodi sister ne ya koi bhi ne kise bhi tarike ne unna da jo bhi role thodi zindagi de vich hai unna nu please appreciate karo unna nu dasso ki oh thodi kidda maayne rakhde hai te kithe na kithe inna ko kise nu changa kehna hai kise da din kise da hafta kise da ek mahina changa kar sakda। जी बिल्कुल नवरीना अखीर दे विच की अपील करना चाहोगे हालांकि तुसी बहुत वधिया जिहड़ा मैसेज स्प्रेड किया बट जिहड़े काम दे नाल तुसी रिलेट हो काउंसलिंग करते हो तरह तरह दी वूमेन्स नूं मिलदी हो एंगजाइटी डिप्रैशन उन्हां दे विच भरिया हुंदा है और उन्हां चीज़ां नूं लैके की अपील करना चाहोगे कि स्पैशली अज दे दिहाड़ा यानी वूमेन्स डे लई तुहाडा उन्हां लई मैसेज है। मैं यही कहना चाहूंगी अपनी कम्युनिटी दे विच बहुत हद तक एक्सपेक्टेड हुंदा कि अगर आप कैनेडा दे विच स्पेसिफिकली देखिए तो फीमेल्स बाहर भी काम करदे आ घरे भी करदे आ नो डाउट इंडिया दे विच भी फीमेल्स बाहर भी करदे आ घरे भी करदे आ पर जब तुसी सब कुछ बाहर भी करदे हो घरे भी करदे हो टेक अ डे टू योरसेल्फ किसे दिन कुछ ना करना ते आराम नाल बैठना भी जरूरी है ते उस चीज नु इदां लेना कि अज मैं कुछ नहीं कीता ओह दिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इन आप सेल्फ केयर कहने हैं एक सेल्फ केयर करनी भी जरूरी है। तुसी सारा टाइम जेड़ियां फीमेल्स बच्चे संभाल रही हैं काम कर रही हैं एक दिन सब कुछ छड़ के बैठो अपने आप लिए टाइम कढ़ो चाहे वो सारा दिन काउच पे बैठ के टीवी देखना ही क्यों ना हो बट डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। जी बिल्कुल नवीन थैंक यू सो मच तुसी नाल जुड़े एंड हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू सेम टू यू थैंक्स शेरी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मौके एडमिंटन तो की आ रहा है आओ देखते हैं साडे सीनियर पत्रकार कुलमीत सिंह संगा दी खास अपडेट। अज असी पहुंचे हैं जी नॉर्थ अमेरिकन ESL सर्विसेज वालों के जिहड़े बिजनेस नू रन करते हैं आयशा राउफोरी क्योंकि अज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और असी सोचा कि इन्हों तो पुछते हैं ये जिहड़ा काम कर करते एक अजिहे देश विच आ के जिहड़ा ये काम कर करना इत्थे इन्हां नूं किस तरह दीआं चुनौतियां आईआं ने ते पिछों जिहड़े देश नूं छड्ड के आए आ उत्थे किस तरह दीआं चुनौतियां सीआं ते अज जिहड़ा ये इंटरनेशनल वूमेन्स डे आ इहनूं असीं किस तरह लैंदे आ जां इहदी की इंपोर्टेंस है की महत्ता है ते गलबात करदे आ आयशा राउफोरी नाल। वेलकम टू चैनल पंजाबी आयशा। बहुत शुक्रिया कुलमीत जी थैंक यू। अच्छा आयशा जी पहले अपने बारे में मुझे बताएं कि आपने ये इधर नॉर्थ अमेरिकन ESL सर्विसेज शुरू की थी आपने कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं इधर आकर किए या पीछे पाकिस्तान से ही करके आए थे? मैंने पाकिस्तान से मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया फिर मैंने वहीं से डिप्लोमा इन टीचर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड फॉरन लैंग्वेज किया एडल्ट टीचिंग में साथ ही में मेरा MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है और PhD इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है जेंडर स्टडीज़ पे और ये कि ऑटवा से ही मैंने टीचर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज एडल्ट टीचिंग ये भी किया और फिर मैं सर्टिफाइड लैंग्वेज असेसर हूँ कनाडा में साथ में ये कि मैंने कैथलिक सोशल सर्विसेज एडमिंटन मैनोनाइट सेंटर असिस्ट कम्युनिटी सर्विसेज और इस तरह की बहुत सारी सेटलमेंट एजेंसीज में काम किया है जिससे मुझे
और मैंने विमेन एम्पावरमेंट और सेटलमेंट प्रोग्राम से बहुत काम किया है. तो जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें एक तो देखिए पहले तो डेफिनेटली मैंने वो जॉब ख़त्म करके फिर अपना बिज़नेस जब ये स्टार्ट किया, साथ ही मैं बहुत सारी नॉन प्रॉफिट्स में भी काम कर रही हूँ और एज अ डायरेक्टर ऑन बोर्ड वॉलेंट्री ये सब पोजीशंस होती हैं और उसमें अंदाज़ा होता है कि हमें बड़ा काम करना है अभी कम्यूनिटी के लिए. तो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट, ये आप कह लीजिए अकेडमी, ये उसका एक हिस्सा है, बहुत छोटा सा एक हिस्सा है. नहीं, ये आपने कितनी देर हुई आपको इधर आए हुए? 20 साल. 20 साल हो गए. आपके बच्चे भी हैं, मेरे को मालूम है लड़कियां आपकी वो भी माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं और स्कूल में वो भी क्या कहते हैं. स्वागत है ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का. दर्शकों को दस दिए कि जिस तरीके नाल तेल दी कीमतों के गैस दी कीमतों के इजाफा हो रहा है, उसनों लैके वक्त-वक्त थावां तो वक्त-वक्त तरह दी रिपोर्टा सामने आ रही ने. अलबर्टा तो भी कुछ रिपोर्ट आ रही ने, तो खास तौर के उत्ते कई थावां तो रिपोर्ट्स आई ने कि सूबाई टैक्स जिहड़ा इन्हां कीमतों के उत्ते सूबाई टैक्स हैगा उहनूं घटाउण दी जिहड़ी गल कही जा रही है. हालांकि BC दे विच इस जिहा कोई विचार इस संबंधी नहीं किया जा रहा कि इन्हां कीमतों के उत्ते जिहड़ा टैक्स है उसनों घटाया जा सके, तो जिहड़े पंपां दे उत्ते पेट्रोल भरवाउण दे लई आ रहे ने उन्होंने कुछ राहत जिहड़ी है वह मिल सके. दस दिए कि BC दे पब्लिक सेफ्टी मंत्री का कहना है कि अलबर्टा के गैस संबंधी फैसले का BC वल्लों तो फिलहाल कोई फैसला करन दा इरादा नहीं है. अलबर्टा ने गैस दियां वधदियां कीमतां विचाले सूबाई टैक्स घटाया है. अलबर्टा सरकार ने गैस स्टेशनां ते पहुंचदे लोकां नूं कीमतां तो कुछ राहत देने की गल कही है. अज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस संबंधी की गई जिस दे विच माइक फर्नवर्थ ने कहा है कि गैस दियां कीमतां प्रोविंशियल कंट्रोल तो बाहर हैं, तो इस पिछे रूस वल्लों यूक्रेन ते कीता हमला मुख्य कारण भी मनिया जा रहा है. अलबर्टा ने इस विचाले गैस अते डीजल ते 13 सेंट प्रति लीटर टैक्स घटाउण दा ऐलान कर दिता है, पर फर्नवर्थ दा कहना है कि मैट्रो वैनकूवर दे विच $2 दे पार पहुँचदियाँ गैस दियाँ कीमतों के हल का कोई सौखा सोल्यूशन नहीं है. उन्होंने कहा कि सूबा सरकार 1 अप्रैल तो कार्बन टैक्स लागू करेगी ते गैस कीमतों के 1 सेंट प्रति लीटर का टैक्स जिहड़ा उसते इजाफा हो सकेगा. हेल्थ अधिकारियों के लिए नवे हुक्म जारी किए गए हैं जिस दे विच एक गल कही जा रही है कि वैक्सीन लाजमी हैगी है जिन्हां लई उन्होंने वैक्सीन हुण तक लगवाई है या नहीं. फिजियोथैरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स और मसाज करन वाले दे विच शामिल ने. इस तो अलावा दंदा के डॉक्टर भी शामिल ने. तो यह कहा जा रहा है कि इन्हां दी सारी रिपोर्ट है जिहड़ी वो जल्दी तो जल्दी कंप्लीट की जाए, जिसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक जारी करन दी गल कही जा रही है. सो यह डाटा कलैक्ट किया जाना है और इस लिए लाजमी कर दिता गया कि सारे डॉक्टर जिहड़े है वह वैक्सीनेशन उन्होंने कंप्लीट होनी जरूरी है. पहला कहा जा रहा है कि दंदा के डॉक्टर इस तो बाहर ने, पर हुण सारे लिए फरमान जारी किया गया. हालांकि फरमान की नज़रसानी जिहड़े नहीं कर पाएंगे उन्होंने वास्ते सज़ा की होएगी, अनुशासनी कार्रवाई उन्होंने की होएगी, इस संबंधी अजे कोई ऐलान नहीं किया गया. आओ देखते हैं इसते एक रिपोर्ट. सोमवार को देर रात जारी किए गए नवे सूबाई सेहत आदेशों के तहत वैक्सीनेशन ना होने वाले सेहत संभाल पेशेवर के कोल COVID-19 टीकाकरण का सबूत दिखाने लई महीने के अंत तक का समय है. ऑर्डरली कॉलेजों को 31 मार्च तक सेहत संभाल पेशेवर जिमें कि दंदा के डॉक्टर, कैरियोप्रैक्टर्स, फिजियोथैरेपिस्ट, दवाइया ते मसाज थैरेपिस्ट लई टीकाकरण स्थिति की जानकारी इकट्ठी करन दी लोड़ है. हालांकि ऑर्डर दे विच ए नहीं दस्या गया कि जेकर किसी भी कॉलेज के मैंबर नूं टीकाकरण नहीं किया जाता तो नतीजा की होगा. फरवरी में BC प्रोविंशियल हैल्थ अफसर डॉक्टर बॉनी हैनरी ने कहा कि सारे सूबाई तौर पर निरंतरित हैल्थ केयर वर्करां लई टीकाकरण की आखिरी मिति होगी ते जनतक सेहत आदेश जारी किए जाएंगे. उन्हां इस लोड़ नूं सब तो महत्वपूर्ण उपावां दे विच्चों एक कहा जो प्रांत नूं ओमिक्रोन वेव द्वारा इसनों पूरा करन की इजाजत देगा, जिस दे नाल हस्पताल दे विच दाखल होण दीआं उच्च दरां हन ते आउण वाले साल विच होण वालीआं अणजाणियां तों बचाउण विच साडी मदद करेगा. कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जनस ते कॉलेज ऑफ कैरोप्रैक्टर्स दोवां ने दस्या है कि ऑर्डर वैक्सीन का हुक्म नहीं है. आदेश दे विच सारे सेहत संभाल कर्मचारियों नूं एक समान लोड़ां दे अधीन लियाउण दी उम्मीद की जाती है. मौजूदा समय विच नर्सां लंबे समय की देखभाल करन वाले कर्मचारियों ते हस्पताल दे स्टाफ नूं टीकाकरण करन दी लोड़ हुंदी है या उन्हां दीआं नौकरियां गुआउण दा जोखम हुंदा है. हालांकि प्राइवेट प्रैक्टिस दे विच काम करन वाले डॉक्टर, दंदा दे सर्जन, मनोविज्ञानी ते होर पेशेवर उसे आदेशों के अधीन नहीं सन जदों तक वह हस्पताल या नर्सिंग होम वर्गियां उच्च जोखम वाली सैटिंगा विच काम नहीं करते. सेहत पेशेवर लोगों को वायरस के संचार का खतरा पैदा करते हैं क्योंकि वह जनता की आबादी सेवावां प्रदान करते हैं जो उम्र या
अंडरलाइंग सेहत स्थिति के कारण ते मरीज की टीकाकरण स्थिति के बावजूद कोविड-19 नाल संक्रमण के कमजोर होने की संभावना है। प्रोविंस का कहना है कि मैडिकल सेहत अधिकारियों की बेनती ते निगरानी करने वाली संस्थावां नूं अपने रजिस्टरां की वैक्सीन स्थिति की जानकारी का खुलासा करने की लोड़ होगी। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी रिपोर्ट। खबरों ते जानकारियां दा सिलसिला फिलहाल इत्थे मुकदा। नवीं ते ताज़ा खबर लैके फिर तो हाजिर होवांगे। इजाजत चाहुंदे आं, धन्नवाद। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।